आइए आइए हमारे साथ आइए। दीपिका की गाड़ी। अगर आप लोग यहाँ तक ऊपर तक आ रहे हो डेफिनेटली ये प्लेस विजिट करो। गुफा है, माता की मूर्ति है, बहुत ही बड़ी मूर्ति है। तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और अभी हम लोग आए हैं अचलगढ़ फोर्ट, जो कि जो गुरु शिखर है उसके रास्ते में पड़ता है। वहाँ से लेफ्ट लेना है, सिर्फ 4 किलोमीटर ही है। तो यहाँ पे 1.5 किलोमीटर ऊपर चढ़ के जाना है और वहाँ पे फोर्ट है और नीचे जो है एक जैन मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, और ऊपर एक जैन मंदिर है वो भी देखना है। तो चलते हैं, चढ़ाई स्टार्ट करते हैं। रेडी है तो अंजलि 1.5 किलोमीटर चढ़ने के लिए? चढ़ाना क्यों पड़ता है, मुझे समझ नहीं आता। हर जगह ऊपर ही हाइट पे क्यों होती है सर? वही हर जगह हाइट पे होती है। चढ़ना तो पड़ेगा। चढ़ रही है? चढ़ जाऊंगी, भले गिरते गिरते। नहीं, तुझे वो डोली में बिठा के ले जाओ। प्लीज। हाँ, कोई यहाँ पे नीचे पार्किंग है, ऐसा आप यहाँ पे कार पार्क कर सकते हो। 50 रुपीज़ पार्किंग का है। एंड देन यहाँ से आप ऊपर जा सकते हो। आप अपनी कार लेके भी जा सकते हो, पर रास्ता बहुत ही डेंजर टाइप का है। मैंने एक बंदे से यहाँ पे पूछा तो बोलता है इट इज़ बेटर कि आप लोग यहाँ पे कार है वो लेके जाओ। यहाँ पे जो जिप्स खड़ी है वो आपको लेके जाती है 300 रुपये पर पर्सन में, ऊपर लेके जाती है और वहाँ से नीचे लेके भी आती है। और गुरु शिखर में जैसे नीचे मार्केट था पूरे रास्ते में, ऐसे यहाँ पे भी मार्केट है। खाने पीने की चीज़ें, शॉपिंग की चीज़ें, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। और ये है रास्ते में आ रहा फर्स्ट टेम्पल, महादेव मंदिर। तो शिव जी के मंदिर में दर्शन करके आ गए। पूरा ऐसा है रास्ता, एज यू कैन सी सामने जो कार आ रही है। तो इतना सा ही, छोटा सा ही रास्ता है जिसमें आप कार लेके जा सकते हो, बट बहुत डिफ़िकल्ट होगा अगर आप इतने अच्छे तरीके से ड्राइव नहीं कर पाते। तो इससे अच्छा है कि जो भी आपने जीप देखी उसका 300 रुपये पर हेड में आप ऊपर जा सकते हो, वो जीप आपको नीचे भी लेके आएगी। और ऐसा ही पूरा रास्ता है 1.5 किलोमीटर ऊपर, और फिर कुछ 70-80 सीढ़ी है वो चल के आप ऊपर जो अचलगढ़ फोर्ट है वहाँ तक पहुँच सकते हो। कार की राइड लेके पहुंच गए हम लोग ऊपर, और यहाँ से कुछ ऐसा नजर आया। अभी हम लोग यहाँ ऊपर अचलगढ़ फोर्ट में यहाँ से रास्ते से आए हैं, और हम लोग पहले जो गुरु शिखर गए थे वो गुरु शिखर यहाँ पे है। एज यू कैन सी ये जो आपको दिख रहा है ऑरेंज वाला थोड़ा सा डॉट था वो गुरु शिखर है, वहाँ से हम लोग जाके आए। अब यहाँ से कुछ 70-80 सीढ़ी है तो वो चढ़ के ऊपर चलते हैं, देखते हैं जैन टेम्पल। ये बच्ची 30 रुपये में तुझे उठा के लेके जाएगी, शर्म आ रही है तुझे? 50 रुपये दूंगा इसको, आप उठा के लेके जा सकते हो? नहीं देख, वो डर गई बेचारी, इतनी सी है वो, शर्म आ रही है अंजलि, शर्म। जितनी गुरु शिखर में भीड़ हो रही थी उसके मुकाबले यहाँ 10% भी भीड़ नहीं है, बहुत ही खाली है और बहुत ही शांत जगह है। अच्छा, वो हम लोग कार में ऊपर हैं, अदरवाइज आधे रास्ते में होते हैं, वही होते हैं आधे रास्ते पे, शायद वहाँ से लुढ़क के नीचे भी चले जाते। वो ऐसे भी वो था ना, ऐसे फॉल था, ऐसे ऐसे लेट जाते नहीं, फ्री फॉल वाला था पूरा। उसने अच्छा बोला था जो मैं ऊपर लेके आया, बोलते कि सर आप बैठ जाओ क्योंकि आप चल के ऊपर तक आए तो फिर ये सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाओगे, और वो सही था, बहुत ही स्टीप है ये, 280-300 के आसपास कुछ सीढ़ियाँ हैं, और बहुत ही स्टीप सीढ़ियाँ हैं।
सो फाइनली पहुंच गए ऊपर जैन टेंपल। बहुत ही शांत है, बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही है और शांत लग रही थी ना। हाँ यार बहुत भीड़ थी वहाँ तो, गुरु जी का बहुत भीड़ थी यहाँ तो, कुछ भी नहीं है, बहुत ही शांत जगह और बहुत ही मस्त बनी हुई है। एज यू कैन सी यहीं पे ये पहाड़ है और सामने जैन टेंपल है। यहाँ पे मंदिर में अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो बैग और जो कैमरा है वो यहाँ पर आप यहाँ पे रखवा सकते हो और उसके बाद ही आप ऊपर जा सकते हो मंदिर में दर्शन करने के लिए। A few moments later. So, हमने जो जैन टेंपल है यहाँ पे इसका दर्शन कर लिए। वो जो मूर्ति है वो कुछ 550 साल पुरानी है, पर ये जो मंदिर है पूरा आप देख सकते हो ये वाला, ये सब अभी नया बनाया हुआ है। अंदर जो मूर्ति है वही पुरानी है। यहाँ से जस्ट लुक एट द व्यू, कितना ब्यूटीफुल और शांत लग रहा है पूरा सिटी। और ऊपर यहाँ पे है ना वो फोर्ट है, अचलगढ़ फोर्ट, वो तो पूरा भी खंडित हो चुका है, तो देखते हैं जाएंगे या नहीं। और हमने यहाँ से एक बंदे से पूछा तो वो बोल रहा है कि फोटोग्राफी के लिए जा सकते हो, अदरवाइज़ फोर्ट में कुछ है नहीं, पूरा खंडित है। और उसके ऊपर एक माता का मंदिर है तो वहाँ हम लोग अभी जा रहे हैं। सो लेट्स गो। सो अगर आप अचलगढ़ फोर्ट आ रहे हो तो यहाँ देखने के लिए सिर्फ दो ही चीज़ है, नीचे जो एक मंदिर है वो, और ऊपर जो दो मंदिर है, ये एक जैन मेन मंदिर है जो 550 साल पुराना है और ऊपर एक माता का मंदिर है जहाँ पे हम लोग अभी जा रहे हैं। उसके अलावा जो फोर्ट है वो पूरा खंडित हो चुका है, तो अगर आप फोटोग्राफी में उसमें हैं तो डेफिनेटली विजिट कर सकते हैं। बट आपको फोर्ट देखना है तो फोर्ट वहाँ पर इतना है नहीं खास, अभी शायद हम लोग जाएंगे तो आपको दिखाएंगे। तो हम लोग पहुँच गए चामुंडा माता जी मंदिर के एंट्रेंस पे, बट उससे पहले यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आपको मोबाइल टावर देखने का शौक है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देख सकते हो। अंजलि हाँ। मोबाइल टावर देखना, नहीं देखना, इधर नेटवर्क तो वैसे ही नहीं आ रहा। देख लेना, नहीं देखना। मुश्किल से हमें यहाँ 2-4 बंदे मिले, हम दोनों ही घूम रहे और वहाँ पे गुरु शिखर पे बाप रहे, ऐसा लगा था मेला लगा है वहाँ, मेला लगा तो कुंभ का मेला लगा था बहुत ज़्यादा। आई गेस हम लोग 20-25 मिनट तो ट्रैफिक में फंस गए थे क्योंकि कार निकल ही नहीं थी, इतनी सारी कार है। तो आप आ रहे हो और एक बंदे का जादू दिखाएंगे हम। एक बंदे का जादू मैंने ऑलरेडी दिखा दिया, दिखा दी हाँ। दो बार कार ऊपर से नीचे की उसने, तब जाके कार चली। सारे के सारे सभी बंदे बैठे हैं, कार हिल पे जा रही पार्किंग के लिए, फिर भी सभी बंदे कार में बैठे, फिर उतरे सब लोग, फिर कार ऊपर जाके चली। हाँ थक गए भाई। हाँ आप ऊपर कार लेके आना, पैदल चल के, मतलब वो जीप में बैठ के आना, पैदल मत आना, बहुत ही डेंजरस। हम जो ट्रैकिंग की बात कर रहे थे, एक्चुअल में ट्रैकिंग कर ली हमने यहाँ पे, और मेरे को 3 दिन जिम छोड़ने का अभी नुकसान भी नहीं लग रहा है। मैं सुबह से चल रही हूँ, सुबह से हम लोग ऐसे कर रहे हैं, चल के वहाँ पे गए गुरु शिखर, यहाँ भी इतना चढ़ के आए, हाँ सांस फूल रहे फिर भी लगे रहे। आपको जल्दी से वीडियो लाइक करना पड़ेगा, लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। और सीढ़ी आ गई है, हम थोड़ा चढ़ के, हम थोड़ा चढ़ के मिलते हैं ऊपर। फाइनली हम पहुंच गए ऊपर, बस थोड़ा ही रास्ता है। तो यहाँ एंटर करते ही मीराबाई का मंदिर है और उसके राइट साइड में छोटी सी आर्टिफिशियल झील और वहाँ ऊपर चामुंडा माता का मंदिर है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट हमें मिल गया था मीराबाई मंदिर के एकदम बाजू में ही, तो फोटोग्राफी हो गई है मस्त एकदम सॉलिड सी। शक्ति आ गई अंजलि में थोड़ी सी, देखो देखो अभी क्या गोल गोल हो गई वो थोड़ी डार्क चॉकलेट भी खा ली उसने, मुझे भूख लग रही है मुझे भूख लग रही है। तो अभी जो फोटोज क्लिक किया आपको इंस्टाग्राम पे एज यूजुअल मिल जाएगी, दोनों की लिंक नीचे आ रही होगी, तो जहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो। अब जा रहे हैं फाइनली जिस काम के लिए आए थे, माता के दर्शन करने, वरना माता जी इसमें व्यूज नहीं डालेगी वीडियो में। शराब पी के मंदिर में प्रवेश करना मना है, अंजलि वापस चल शराब भी लोग अलाउड नहीं। तो ये जो मंदिर है वो चोटीला से भी पुराना मंदिर है, ऐसा ये भाई जो हमें अभी बता रहे थे। और उसके बाद यहाँ ऊपर कुछ जाने के लिए है नहीं, यहाँ पे एक गुफा है तो वही जाके देखते हैं क्या है। और ये काफ़ी ब्यूटीफुल है यहाँ पे फोटोग्राफी के लिए। तो अब चलना है सामने की ओर, माँ काली माँ की जो गुफा है वो देखने।
एज यू कैन सी यहाँ पे जो ऊपर भी चढ़ के आ रहे थे, ऐसी सीढ़ियाँ थी, ऐसी सीढ़ियाँ नहीं है। यहाँ से आपको ऐसे पत्थर पर चढ़ के जाना पड़ेगा ऊपर तक। और ये है अचलगढ़ फोर्ट और गुफा जो आप बोल सकते हो। और यहाँ से जो नज़ारा है, तो सामने जो है ये जैन टेंपल है जो भी हम देख के आए। यहाँ वो लेक है जहाँ तक हमने कार से आए थे, और वहाँ नीचे तक पार्किंग है। तो इतना ऊपर हम लोग आए हैं, यहाँ पे नीचे गुफा है, तो वहीं चल के देखते हैं। और यहाँ से कुछ ऐसा रास्ता है गुफा में जाने के लिए। तो ये गुफा का रास्ता और अंदर काली माता का मंदिर है। ऐसे कुछ गुफा है और यहाँ पे माता का मंदिर है। अगर आप लोग यहाँ तक ऊपर तक आ रहे हो, डेफिनेटली ये प्लेस विजिट करो। गुफा है, माता की मूर्ति है, बहुत ही बड़ी मूर्ति है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो ये जो मूर्ति है हमने देखी, वो यहाँ नीचे मंदिर है गुफा में। तो बस यही था अचलगढ़ फोर्ट, जो पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है फोटोग्राफी के लिए जगह। और यहाँ से नीचे जाएंगे तो अभी जो माता का मंदिर दिखाया वो है। तो इतनी चीज़ें अचलगढ़ फोर्ट में देखने के लिए। तो अगर आप अचलगढ़ आ रहे हो तो कम से कम 3-4 घंटे का टाइम लेके आइए, क्योंकि ऊपर आना है इतना चढ़ के, 4-5 चीज़ें देखने के लिए, फिर नीचे उतरना है। सो नीचे जो चामुंडा माता का मंदिर है वहाँ तक अच्छी सीढ़ियाँ हैं, उसके बाद ऐसा ही पूरा रास्ता है पत्थरों वाला। तो आ रहे हो तो थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि चामुंडा माता से मंदिर से ऊपर फोर्ट तक का रास्ता ठीक नहीं है, शूज़ पहन के आइए डेफिनेटली। और अगर साथ आपके साथ बड़े उम्र वाले लोग हैं तो उनका थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि थोड़ा ट्रिकी है रास्ता। कैसी लगी गुफा और मूर्ति? मुझे मंदिर, वो माता की मूर्ति बड़ी अच्छी लगी जो नीचे, बहुत बड़ी थी ना, बहुत बड़ी मूर्ति, मैंने इतनी बड़ी मूर्ति नहीं देखी तक। मैं अंदर जाके देख के ना एक बार थोड़ा सा सहम सा गया, मतलब इतनी बड़ी मूर्ति, इतनी बड़ी मूर्ति। इवन पावागढ़ में हमने देखी थी ना वो मूर्ति, मतलब छोटी थी लेकिन ये मूर्ति बहुत बड़ी है। तो वापस हम मंदिर तक आ गए, यहाँ से जैसा मैंने बताया सीढ़ियाँ पूरी नीचे उतरने के लिए। सो इट्स टाइम टू गो डाउन, जल्दी नीचे उतरते हैं क्योंकि अभी बज रहे 1 और हम दोनों को भूख लग रही है। अभी 1 बज रहा है और फिर अभी यहाँ से हमारा जो होटल है वो कम से कम 1 या 1.5 आवर की ड्राइव होगा। रास्ता है वो बहुत ही जिगजैग वाला, इसलिए जल्दी पहुँचे। अब आगे ढलन वाली रोड, फ्री गियर है, तो फ्री गियर है, नीचे लगता है कुछ ज़्यादा ही जल्दी पहुँच जाएंगे। अब इतना पूरा स्टीप है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ब्रेक लगा रहा हूँ पर लग नहीं रही। जिम वाले को वीडियो भेज दे, जिम वाले को वीडियो भेजना पड़ेगा हम लोग। आइए आइए हमारे साथ आइए, दीपिका की गाड़ी, दीपिका की गाड़ी, दीपिका की गाड़ी। रिपब्लिक वाले देख रहे हैं तो हमारे पास एक जर्नलिस्ट है अंजलि, इसीलिए इतना खुश है क्योंकि हम जल्दी जल्दी नीचे उतर गए, है ना? मजा आ गया, आई एम हैप्पी। हमें पैर हाथ को, हमें सही में वही बोल रहा हूँ कि ऊपर जाना है तो कार करके जाना, क्योंकि ऊपर चढ़ के जाओगे तो थक जाओगे, वहाँ ऊपर तक आप नहीं जा पाओगे, इससे अच्छा कार से जाओ, रिटर्न आप आराम से पैदल आ सकते हो। सो गाइस फाइनली पहुँच गए हम लोग नीचे, वहाँ ऊपर तक गए थे और हम यहाँ पे नीचे आ गए और आ गया हमारा पार्किंग। तो यहाँ पे हमारी कार है, तो लेके अब निकलते होटल की ओर। अभी ऑलमोस्ट बच गए 2:30 बिकॉज हम लोग नीचे आए थे थोड़ी शॉपिंग करने के लिए। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया दें प्लीज़ हिट द लाइक बटन, नए और सब्सक्राइब करें और ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो लाए वो माउंट आबू का उसकी सबसे पहले आपको अपडेट मिले। विल सी यू गाइस इन आवर नेक्स्ट वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।